इस इलेक्शन का हमारा सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि उत्तर प्रदेश में हमारी 5 साल तक इस बार सरकार रही है और हमने इतना ज़्यादा काम किया हर क्षेत्र में, हर मामले में, जितना आज़ादी के बाद जो पूर्व की सरकारें रही हैं, चाहे किसी भी पार्टी की रही हों, उन्होंने भी उतना नहीं किया है, उनसे ज़्यादा हमने कार्य किया है। लेकिन क्योंकि उत्तर प्रदेश आबादी के हिसाब से देश का सबसे बड़ा प्रदेश है और पूर्व की सरकारों ने, आज़ादी के बाद पूर्व की सरकारों ने इस क्षेत्र के, उत्तर प्रदेश के पिछड़ेपन को की तरफ ध्यान नहीं दिया, तो 5 साल के अंदर तो पिछड़ापन दूर नहीं हो सकता। केंद्र की सरकार ने हमको पूरा सहयोग नहीं दिया, तो अभी उत्तर प्रदेश में और ज़्यादा मेहनत से काम करने की ज़रूरत है, इसके पिछड़ेपन को दूर करने की ज़रूरत है, इसके विकास की तरफ ध्यान देने की ज़रूरत है, सर्व समाज के उत्थान की तरफ ज़रूरत है। और सही मायने में उत्तर प्रदेश का विकास और उत्थान यहाँ के जो सर्व समाज के लोग हैं, तो उनको अपने पैरों पर खड़ा जो है BSP की सरकार ही कर सकती है। ये हमने 5 साल के अंदर काफी हद तक करके दिखाया। आपको उम्मीद है मायावती जी आप मुख्यमंत्री बनेंगी? मायावती जी आपको उम्मीद है क्या? इसके बारे में मैं कुछ नहीं कहना चाहती, आप लोग जनता से पूछे, भीड़ को देखे। NDTV's क्रिकेट ऐप, एंड्रॉइड एंड iPhone, फास्टेस्ट स्कोर कार्ड, स्पेशल एनालिसिस एंड मच मोर, डाउनलोड फ्री NDTV.com/apps.